तो यहाँ पर गलती से भी आप पानी का बॉटल मत लेना। तो हम लोगों ने एक मिस्टेक किया, वो ये कि गुड मॉर्निंग गाइज, आज हम लोग का सेकेंड डे है सिंगापुर में और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस डाउनटाउन की तरफ। वहाँ पे हम लोग का फर्स्ट स्टॉप रहेगा आर्ट एंड साइंस म्यूजियम। तो हम लोगों ने टिकट जो है वो ऑनलाइन ही बुक कर डाला है, तो उसके जो डिटेल्स है ना वो मैं आपको आगे जाके दूंगा कि मैंने कहाँ से किया और कैसे किया। और वो टिकट बुक करने का और एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आपको कंप्लीट डायरेक्शन मिलता है कि आप आपके होटल से लेके वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हो अलग अलग ऑप्शन में, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। किंजल मेरे लिए कॉफी लेने गई थी, मिला? हाँ, ब्लैक कॉफी आपका। ओके, थैंक यू। मुझे ना वहाँ पे आइस्ड बोलना चाहिए था। आइस्ड बोलना चाहिए था, नेक्स्ट टाइम आइस्ड पी। हाँ, मुझे ना वहाँ पे उन्होंने चेंज में कॉइन दिया, ये $1 यहाँ का। काफी थिक है ना ये। हाँ, और अपना 10 रुपीज जैसा दिखता है। और यहाँ पे मैकडोनल्ड्स में कॉफी है $3 का, ये ब्लैक कॉफी, जो कि रफली इंडियन रुपीज में 180-200 के आसपास होता है। और अगर आपको मील खाना है तो वो रफली $5 का है, जो कि 300-350 के आसपास होगा। तो गाइस, हमने अभी जस्ट मैकडोनल्ड्स में कॉफ़ी पी लिया। वैसे यहाँ पे आपको चीपर ऑप्शन भी मिल जाएंगे कॉफ़ी के, जैसे फूड कोर्ट में जाओगे तो आपको हाफ प्राइस में कॉफ़ी मिलेगी $1.50 के आसपास, मैकडोनल्ड्स में $3 का है। अभी हमने जस्ट देखा कि ट्रेन स्टेशन जो है, मतलब आर्ट्स एंड साइंस म्यूजियम के जो क्लोजेस्ट ट्रेन स्टेशन है, वहाँ से हम लोग को 20 मिनट्स का वॉक है। और अगर हम लोग बस पकड़ते हैं तो हमें सिर्फ 10 मिनट्स का वॉक है। तो हमारे होटल के नीचे ही बस स्टॉप है और हम यहाँ से 133 नंबर का बस लेंगे, तो हमें सिर्फ 10 मिनट्स का वॉक करना पड़ेगा, है ना बस? 133 वाला। सो आप अगर गूगल मैप्स पे जाते हो तो आपको सीधा ऐसा ऑप्शन मिलता है कि आपको कौन सा ट्रैवल चूज करना है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चूज करना है। तो हम लोग यहाँ पे बस से जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है 133 और उसमें फिर सारा डिटेल्स है। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग को टोटल 16 मिनट्स का राइड है और 8 स्टॉप्स है, और हम लोग को उतरना है रीड्स कार्लेटन या फिर रीड्स कार्लटन। यहाँ चल 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 चल, नहीं अपने को वी कैन कम और फ्रॉम फ्रंट। चल हम लोग को रफली 10-15 मिनट्स लगा ये बस मिलने में। आई गेस इसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम है अभी यहाँ से, और यहाँ पे भी सेम पास यूज़ होता है जो हम लोग ट्रेन के लिए यूज़ कर रहे हैं। आपको इजी लिंक कार्ड आपको एंटर करते वहाँ पे टैप करना है, और आगे उतरते समय भी टैप करना है। और अभी यहाँ से हम लोग का 8 स्टॉप्स है, राइट? 16 मिनट्स जाएगा। अभी फर्स्ट स्टॉप है और अच्छा है, बस काफ़ी अच्छा है, एकदम वेल मेंटेन्ड है और एयर कंडीशनड है। बाहर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है बट अंदर बैठे के आदमी अच्छा लगा। हम लोगों ने एक मिस्टेक किया, वो ये कि हमें ऑपोजिट साइड जाके बस पकड़ना था 133 नंबर का। हमने वहीं पे खड़े रहकर 133 नंबर का बस पकड़ा, तो अभी हम लोग और दूर आ गए। दूर तो आ हम लोग जब बस में बैठे थे तो जो भी स्टेशन आ रहा था, तो मैं वही पूछ रहा था किंजल को, ये इसमें जो भी स्टेशन लिखा है वो तो दिख नहीं रहा, सब अलग ही दिख रहे। फिर हम लोगों ने साइड में जो पैसेंजर बैठे थे उनको पूछा, तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम लोग को ऑपोजिट साइड पे लेना था। तो अभी हम लोग उतर गए, तो हम लोग के स्टेशन, हम लोग के होटल से कुछ 3 किलोमीटर पे था, तो अभी ये 5 किलोमीटर दूर आ गए हम लोग। 2 किलोमीटर आगे आ गए और अभी हम लोग जा रहे हैं अंडरपास से ऑपोजिट साइड पे, और फिर वहाँ से सेम 133 नंबर का ही बस लेना है। हाँ। और फिर वो स्टेशन पे उतरना है। सो अगर आप भी यहाँ पे बस का यूज़ कर रहे हो तो वो मेक श्योर करना कि वही साइड से जाना है या फिर ऑपोजिट साइड से बस लेना है। राइट। और बेस्ट वे तो ये है कि कोई वहाँ पे का लोकल है उनको पूछ लो, वो ज़्यादा इजी हो जाता है रादर देन खुद के आइडियाज लगाने से बेटर। ने अंडरपास बनाया है तो रास्ता क्रॉस करने के लिए अभी हम लोग ये अंडरपास लेके वो साइड पे ऑपोजिट साइड पे जाएंगे। इंजल आया और डबल डेकर ही आया।
आपको चाहिए था ना। इधर से मिल गया हम लोग को फिर से पर्स। हाँ। जल्दी मिल गया और हम लोग को डबल डेकर ही चाहिए था तो वो भी मिल गया और अभी हम लोग ऊपर ही बैठे हैं। ऐसे ऐसा टॉप व्यू है सामने वाले रोड का। हाँ, और ऊपर का जो फ्लोर है वो एम्प्टी है कंपैरेटिवली नीचे। हाँ। के आपको यहाँ पे बस लेना स्टेशन के नाम याद नहीं रह रहे ना तो इनके कोड भी है तो आप वो ध्यान में रख सकते हो। जैसे अभी जो बस स्टॉप गया उसका 60299 समथिंग था और हमें जहाँ पे जाना है उसका 02171 है तो आप वो देखोगे तो आपको इजीली समझ आएगा कि आपका स्टॉप। तो अभी हमें डबल डेकर बस का बेस्ट सीट मिला है, मतलब फ्रंट में भी पूरा विंडो है एकदम बड़ा और साइड में भी, तो व्यू बहुत अमेजिंग है सिटी का। पेड़ है ना तो ऐसे फ्राई हो जाते थे। सो गाइज ये है हेलिक्स ब्रिज और जहाँ पे हम उतरे वहाँ से हमें और एक 700 मीटर्स का वॉक करना है और ये हेलिक्स ब्रिज क्रॉस करके हमें जाना है आर्ट्स एंड साइंस म्यूजियम। ब्रिज का जो एंट्रेंस है उसके नीचे ही एक उन्होंने ऐसा पार्क जैसा बनाया है, हम लोग अभी वहाँ पे है और यहाँ से व्यू बहुत ही अमेजिंग है। मरीना बे सैंड्स दिख रहा है, म्यूजियम है, ब्रिज दिख रहा है, फिर वो सारे स्काई स्क्रेपर्स दिख रहे हैं और मरलैन पार्क दिख रहा है जहाँ पे हम लास्ट नाइट गए थे। ये रात को काफ़ी अच्छा लगता है तो हम ट्राई करेंगे आपको इसका रात को भी व्यू दिखाने का। सो ये ब्रिज पे ऑब्जर्वेशन डेक भी है जहाँ से आपको एक ओवरऑल व्यू मिलता है। सो काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से भी। अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, हम लोग पूरा पसीना पसीना हो चुके हैं। यहाँ पे लोकल लोग जॉगिंग कर रहे हैं पता नहीं कैसे। सो गाइस अभी हम लोग जस्ट आर्ट एंड साइंस म्यूजियम के बाहर है और ये मॉल है एक्चुअली मरीना बे सैंड्स वाला और हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लगा था। हम लोग एक्चुअली पहले नीचे गए थे, नीचे जाके देखा तो सारा एशियन फूड था और बहुत ही सी फूड था तो किंजल सी फूड खाती नहीं है तो हम लोग को नहीं जमा। फिर बाद में हम लोग ऊपर आए तो वहाँ पे बर्गर का कुछ तो था एंड और एक पिज़्ज़ा का था, वहाँ पे भी बीफ वाला बर्गर था और सी फूड था तो वहाँ से भी बाहर आ गए और फिर हम लोग यहाँ पे ही खा रहे और जस्ट बाजू में ही है मॉल के, वहाँ पे हम लोग पास्ता और पिज़्ज़ा खा रहे हैं। तो किंजल आपको बताएगी उसका कॉस्ट क्या है। सो जो बाकी के आउटलेट्स है ना उससे कंपैरिजन में ये वाला थोड़ा चीपर है, आर्ट्स एंड साइंस म्यूजियम के बिल्कुल सामने है और मॉल को लग के है। तो यहाँ पे हमारा टोटल बिल जो है वो $30 आया है और पानी का बॉटल यहाँ पे हमने सिर्फ ट्राई करने के लिए, ये देखने के लिए कि मॉल में उसका कितना कॉस्टिंग है, तो यहाँ पे $15 का कॉस्टिंग है और आपको ठंडा वगैरह सब मिलता है बट वो $15 है तो टोटल हमारा $45 का बिल आया। तो यहाँ पर गलती से भी आप पानी का बॉटल मत लेना। यहाँ पे अगर आप आ रहे हो ना तो माइंड में रखो कि मॉल में ना बहुत कम जगह पे कैश एक्सेप्ट कर रहे हैं, सारे जगह पे कार्ड ही एक्सेप्ट हो रहा है। तो अगर आपके पास अच्छा वाला कार्ड है जहाँ पे मार्कअप फीस कम लग रहा है तो ठीक है बट मार्कअप फीस बहुत लगने वाला है। तो यहाँ पे अभी खाने के लिए किंजल ने खुद का क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, डेबिट कार्ड स्वाइप किया, मिलेनिया वाला, तो स्वाइप तो हो जाएगा बट मार्कअप फीस काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। तो हम लोग का सजेशन ऐसा रहेगा कि मॉल के आसपास ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे कैशलेस काफ़ी ज़्यादा रहेगा तो आप आपके बाहर वाले एरिया में अच्छे से खा लो, मतलब कैश का कोई इशू नहीं रहेगा अगर आप कैश ज़्यादा कैरी कर रहे हो तो। कार्ड कैरी कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम लोग खा लेते, बहुत ज़्यादा भूख लगा है, मैंने पिज़्ज़ा बोला है, मुझे ऐसा पिज़्ज़ा मिला है, ये चिकन पिज़्ज़ा है और किंजल ने वेज पास्ता बोला है। सो गाइस ये जो बॉटल है ये हम लोग को $14 का पड़ा, 14 point something, तो अगर वो इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया तो ये 900 रुपये का बॉटल हो गया, मतलब इतना एक्सपेंसिव है। तो आप या तो ऐसा कर सकते हो कि जैसे नॉर्मल जो शॉप से 7-Eleven से भी नॉर्मल शॉप में आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा, आई गेस $1 में 1.5-2 liter का बॉटल मिल जाता है। और दूसरा चीज़ मैंने अभी क्या किया ना, ये हम लोगों ने पी डाला था, अभी मेरे पास और कोई पानी का बॉटल था नहीं तो मैंने जहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे खाया उधर ही उन लोगों को पूछ लिया कि आप भर के दे सकते हो, उन्होंने वापस भर के दिया। तो जिधर भी जाएंगे वहाँ पे हम लोग पूछेंगे कि भर के दे सकते हो तो भर के ले लेंगे। तो गाइस ये है आर्ट्स एंड साइंस म्यूजियम,
और ये है मरीना बे सैंड्स मॉल और हमने अभी लंच किया है यहाँ पर। रेस्टोरेंट का नाम है गैस्ट्रोनोमिया। यहाँ पे वीगन फूड भी मिलता है, वेजिटेरियन ऑप्शन भी है और नॉनवेज तो ऑफकोर्स है बट एक्सपेंसिव है। हमने कल फूड कोर्ट में लंच किया था, वहाँ पे बिल आया था हमारा $16 और यहाँ पे हमने जो लंच किया उसका आया $33, मतलब डबल बिल आया हमारा यहाँ पर। और यहाँ पे मस्त उन्होंने एक आर्टिफिशियल लेक जैसा बनाया और यहाँ पे बहुत सारे लोटस है और डिफरेंट कलर के लोटस है, तो बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पर। ये देखिए वहाँ से वॉक करके आए हम लोग, यहाँ गए पहले लंच के लिए और फिर ये है म्यूज़ियम। सो गाइज, अभी हम लोग आर्ट एंड साइंस म्यूजियम वाला जो बिल्डिंग है उसके अंदर आ गए हैं और मैंने वहाँ पे बैग डिपॉजिट कर डाला है क्योंकि वहाँ पे ट्राइपॉड लेके जाना अलाउड नहीं है, तो मैंने पूरा बैग ही वहाँ पे रख दिया है। और उसके साथ में अभी मैं आपको बता दूँ कि मैंने टिकट कहाँ से बुक किया। तो टिकट मैंने बुक किया है गेट योर गाइड से, जो कि एक ऐप है, ठीक है, और वेबसाइट पे भी जाके आप बुक कर सकते हो। तो इसका प्लस पॉइंट क्या है ना कि ये टिकट मैंने ऑनलाइन ही बुक कर डाला और वो भी 15-20 डेज पहले मैंने बुक कर डाला, तो मुझे कोई टेंशन नहीं कि अगर ये टिकट सोल्ड आउट हो जाता है तो फिर से यहाँ पे आने के बाद में मुझे समझेगा, जो हम लोग के साथ दुबई में हुआ था कि म्यूजियम ऑफ फ्यूचर जो था वो सोल्ड आउट हो गया था, काफ़ी लोगों को मिला ही नहीं, तो वैसा यहाँ पे होगा नहीं, आपको कन्फर्मेशन मिल जाता है कि टिकट बुक्ड है। उसके साथ में ही ना इधर ऐसा भी है कि आप 24 आवर्स पहले तक ना इसको कैंसिल कर सकते हैं, मतलब अगर आपको समझ गया कि नेक्स्ट डे पे मैं जा नहीं सकता तो उसके पहले तक आप कैंसिल कर सकते हो, तो आपको फुल रिफंड भी मिल जाता है। और इनका 24/7 सपोर्ट भी है, मतलब अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो, जैसे आज सुबह ही मैंने उनको व्हाट्सएप किया था कि मैं कैसे पहुँचूँ, तो इधर के जो लोकल प्रोवाइडर है उन्होंने मुझे ये मैसेजेस भेज दिए कि कैसे ट्रैवल कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छा चीज़ है कि समझ जाता है कि कैसे ट्रैवल करना है, ट्रेन लेना है, बस लेना है, वो भी एक बहुत अच्छा चीज़ है। और एक चीज़, अभी इसको तो स्किप द लाइन वाला टिकट नहीं है, बट अगर कोई ऐसे स्पॉट्स है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइन होता है तो आप वो स्किप द लाइन वाला भी टिकट बुक कर सकते हो, तो आप फटाफट जो भी एक्टिविटीज़ है वो विदाउट रुके कर सकते हो। और गाइस, गेट योर गाइड ऐप 3600 डेस्टिनेशन में है जहाँ से आप 60,000 एक्सपीरियंसेस का टिकट्स बुक कर सकते हो और ये आप ऑनलाइन ही बुक करके डाउनलोड भी कर सकते हो, आपको प्रिंटिंग का भी ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन ही सिर्फ आपको शो करना है। प्लस इसमें काफ़ी सारे गाइडेड लोकल टूर्स भी है जहाँ पे आपको नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस गाइड्स मिलते हैं, जैसे कि सिंगापुर में आप लिटिल इंडिया का वॉकिंग टूर ले सकते हो। और गाइस, और एक चीज़, ये जो टिकट है इसका एफिलिएट लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, तो अगर वो लिंक पे क्लिक करके आप बाय करते हो तो हम लोग को कुछ कमीशन मिलता है, तो हम लोग को भी हेल्प होता है थोड़ा। तो अगर आप ये टिकट बुक करने वाले हो तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसके ऊपर क्लिक कर दो या फिर यहाँ पे बारकोड भी है, उसको स्कैन करके आप टिकट बाय कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मेरा बैग रख दिया है और यही एंट्रेंस है और यहाँ पे कैफ़े वगैरह भी है। अभी हम लोग जा रहे हैं म्यूज़ियम की तरफ, तो यहाँ पे अलग अलग लेवल है। हम लोग अभी जा रहे हैं बेसमेंट पे। अगर आप यहाँ पर आके टिकट बुक करते हो तो $23 है और आज के रेट के हिसाब से वो 14-20 कुछ तो होता है। यहाँ पे ऐसे आपको पेपर्स मिलते हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी डायग्राम है, तो इस पर टॉर्टोइज है फिर कुछ है, तो उसको ड्रॉ करना है और ड्रॉ करने के बाद में ना वहाँ पे जो पीछे वाला स्क्रीन है उसके ऊपर वो फ्लोट एनिमेट हो जाता है। ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मैं ड्राइंग क्लास में बैठी हूँ और आपका ये, आप लेफ्ट ही हो और मैं राइट ही हूँ ना, तो आपका लेफ्ट हैंड लग रहा है ऐसे ऐसे करने का मन। ऐसा ड्रॉ किया, ये मेरा टॉर्टोइज है, उसके ऊपर मैंने SNK का इनिशियल लिखा है। आई गेस मैंने बाहर नहीं करना। किंजल, अपन गलत ड्रॉ कर रहे हैं। मेरा जो आया ना, ये अपन ने पानी ड्रॉ किया ना तेरा कॉपी करके, वो नहीं करना था, तेरा वापस रीडू कर, कोई और ले। तो ये सिर्फ एनिमेट होता है अंदर का, बाहर का ड्रॉ करने की जरूरत। ओह, अच्छा निकला। इसको हाथ लगाया तो भागेगा वो, तो देख भाग गया।
सो जैसे वहाँ पे हम लोगों ने फिश ड्रॉ किया है, वैसे ही यहाँ पे आप एयरप्लेन या फिर ईगल ऐसा सब ड्रॉ कर सकते हो। तो ये जो प्लेस है ना, ये अडल्ट तो एंजॉय करेंगी, बट बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चे लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। वो लोग ड्रॉ करके यहाँ पे उनका एनिमेट हुआ हुआ जो ड्रॉइंग है वो देखने को उनको बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हो काफ़ी सारे लोग ड्रॉ कर रहे हैं, इंक्लूडिंग किंजल। और वहाँ पे पीछे स्विंग जैसा है जो रेडियम जैसा ग्रो कर रहा है, तो उसके ऊपर आप ऐसे खड़े रह के क्रॉस भी कर सकते हो। सो ऐसे खड़े रह के आपको क्रॉस करते जाना है। थैंक यू। सो गाइज, ये जो म्यूजियम है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने आपको नीचे बोला कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहाँ पे वो सब एनिमेट होता है ड्राइंग। और हम लोग को जो क्रिस्टल यूनिवर्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब मुझे पर्सनली, मुझे तो सभी अच्छा लगा कि काफ़ी कलरफुल और आर्टिस्टिक है, मतलब ऐसे पूरा इमेजिनेशन पे बनाया, तो इसलिए बच्चे लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और आप पेरेंट हो तो उनको लेके ज़रूर आइएगा, क्योंकि आप भी उनके साथ इंटरेक्ट अच्छा कर सकते हो और एंजॉय भी कर सकते हो ज़्यादा। हम लोगों ने ऑलमोस्ट एक घंटा वहाँ पे डाल दिया, बट कितना फटाफट चला गया समझा ही नहीं। हमारा जो टिकट था उसमें हमने से बेसमेंट लेवल का लिया था। यहाँ पे टोटल 3 लेवल है देखने के लिए। बेसमेंट में फ्यूचर वर्ल्ड है उसका नाम, तो वहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई वो सारी चीज़ें हैं। उसके ऊपर लेवल 3 में, हाँ 3-4 है, 3 में आई थिंक पूरा स्नीकर के ऊपर उन्होंने म्यूजियम जैसा बनाया है, तो उसमें हम लोगों को देखने में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, तो हम नहीं गए। स्नीकर हेड अगर आप हो तो देख सकते हो। और लेवल 4 इंटरेस्टिंग लग रहा है, जो है VR गैलरी, हाँ वर्चुअल रियलिटी रहेगा सारा, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। और ये सारा जो टिकट है, अगर आपको बाय करना है तो आप गेटियोर गाइड से बाय कर सकते हो। और अगर ये वाला टिकट बाय करना है जहाँ पे हम लोग गए थे, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं मरीना बे स्काई पार्क पे, और मरीना हाँ यहाँ पर है ऊपर। और थोड़ा मॉल भी देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, शॉपिंग तो नहीं करनी है बट सिर्फ देख लेंगे, आपको भी दिखा देंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया रहेगा और आपको ब्लॉग जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा रहेगा। हम पूरा ट्राई कर रहे हैं छोटे से छोटे डिटेल्स भी आपको देने, और हम लोग के जो मिस्टेक्स है और जो हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं वो भी आपको बता रहे हैं। जैसे हम लोग बस में गलत वे में चढ़ गए थे, जो आप नहीं करे, तो वो सब आप माइंड में रख सकते हो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो। हाँ, और बट वैसे मेरे हिसाब से ट्रैवल करते टाइम मिस्टेक होना भी एक पूरा लर्निंग प्रोसेस होता है, तो वो एक पार्ट है ट्रैवलिंग का। सो हम लोग भी सारी चीज़ें सीख रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है हम लोग को सिंगापुर में, बहुत अच्छा सिटी है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय गाइज़।